वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी आज इस वीडियो में बात करेंगे बी एस ओजी वन सेवन वन इंडियन सोसाइटी इमेजेस एंड रियलिटीज के क्वेश्चंस के बारे में आज की वीडियो में बी एसओजी वन सेवन वन के ब्लॉक वन के यूनिट टू के क्वेश्चंस को देखेंगे इससे पहले भी बीएसओजी वन सेवन वन के काफी वीडियो बनाए जा चुके हैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आपको प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर चाहिए उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बी एस ओजी वन सेवन वन में कुल आपको तीन ब्लॉक पढ़ने होते हैं ब्लॉक वन है आइडियाज ऑफ इंडिया ब्लॉक टू है इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस और ब्लॉक थ्री है क्रिटिक्स आज लोग देखेंगे वह ब्लॉक वन इंडिया का यूनिट टू इंडिया कॉलोनी इंडिया कॉलोनी में आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट इंडियन सोसाइटी इन द कॉलोनियल पीरियड ऑन इंडिया कॉलोनियल पीरियड इंडोलॉजिकल कॉलोनिकल और नेशनलिस्ट व्यूज ऑफ इंडिया ये देखना है क्वेश्चन नंबर वन है डिस्कस एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन इंडियन सोसाइटी नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कॉलोनियलिज्म इन द इमरजेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी फ्रॉम फ्रेगमेंटेड प्रिंसिपैलिटीज टू ए यूनिफाइड नेशन Next, describe the idea of India as imagined by Indologists, colonialists, and nationalists. Next, what is colonialism? Mention two effects of colonialism on Indian society. What is an Indological view? Next, mention two basic assumptions of Indologists. What was the purpose of colonialist view and how did it help the British in ruling over India? What was the administrative view of India? वाट वेर द फैक्टर्स दैट हेल्प इन इफॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशन स्टेट मैंसन एनी टू इसके बाद कुछ कीवर्ड्स हैं. कीवर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है कीवर्ड्स है कॉलोनलिज्म इंडोलॉजिस्ट कॉलोनियल ट्रेड और नेशनलिस्ट ये सारे कीवर्ड्स के मीनिंग को आप समझ लीजिए जान लीजिए अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इग्रू के संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं सारे इम्पॉर्टेंट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग